नीला रंग हो और तुमने पहना हो तो क्या ही बात है। हाँ बहन तुम ठीक कह रही हो, छोटे भाई की और बेवा माँ की जिम्मेदारी भी इसने उठाई हुई थी और कारोबार भी इसी ने चलाया और अब देखो खुद ही नहीं रहा और खुद ही आगे आखिरत के सफर पे निकल गया। बेचारे ने अभी देखा ही क्या था, एक छोटा सा बच्चा है उसका। कितना अरसा हो गया था शादी को? 3 साल। देख क्या मुझसे शादी करेंगी? हाँ करूँगी। नीले रंग में नहीं मिली क्या? सोचा इस बार कुछ डिफरेंट करके देखता हूँ। फाइनली कोई ऐसा गिफ्ट दिया तुमने मुझे जिसमें नीला रंग नहीं है। फर्स्ट गिफ्ट है ये मेरा। जाना चाहिए था। लो आगे हो। Thank you.
सफेद हो गया कि तुम्हें अपने भाई की आंखों से मौत का ख्याल आ रहा। अरे अपने छोटे भतीजे के ख्याल कर लेते, तुम्हें उसका हक करते में जरा शर्म नहीं आई। भाई लोगों का तो खून ही सफेद हो गया। सुना था कि पैसे को देखकर सगे रिश्ते भी बदल जाते हैं, आज देख भी लिया। पुलिस को बुलाना चाहिए और इसको उनके हवाले कर देना चाहिए। मासूम भतीजियों और बेवा भाभी को तो छोड़ो, इस जालिम ने तो अपने भाई की आखिरी रसूमात का भी ख्याल ना किया। जिस शख्स की मैयत पड़ी है ना, मैं उसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। उसने जीते जी मुझ पर बहुत मोहब्बत निछावर की है और मैं ऐसे तमाशा करके सबके सामने उसकी मोहब्बत की तोड़ी नहीं कर सकती। अब बस इन्हीं नीले आसमानों को देखना है मेरे लिए, बस वही कारसाज काफी है। हबीबा, मैं कुछ तेरे खेल में गुजारना चाहती हूँ। समान, समान, समान। बहन, मौत ने तो जैसे इस घर का मुंह ही देख लिया।
कल एक भाई का जनाजा उठा और आज दूसरे का उठा। भाई बहन छोटे वाले की जगह वो अपने बड़े भाई का जनाजा लेके गया तो वहाँ उसको सांप ने काट, और सांप भी ऐसा कि छटपटी जवान बंदे को ले। बेचारी का अब क्या होगा, कैसे अकेले बेटे को संभालेगी। कल मिये की वफात ने उसे बेवा कर दिया, आज देवर की मौत ने उसे बेआसरा भी कर दिया।